प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यह है कक्षा 11 के जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है। हम इस पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। कुछ विजुअलिटी है इस पेपर में और कुछ नहीं है। वार्षिक परीक्षा 2023 जीव विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न नंबर 1, आपस में संबंधित जातियों का समूह क्या कहलाता है? गण, वंश, कुल और वर्ग। प्रश्न नंबर 2, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़। प्रश्न नंबर 3, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, पेक्टिन की, काइटिन की, सुबेरिन की। प्रश्न नंबर 4, शकरकंद किसका रूपांतरण है? तना, परकंद और क्या, ये देख सकते हैं आप, मूसला है या क्या लिखा हुआ है, अपस्तनिक मूल, मूसला मूल, अपस्तनिक मूल। आगे रिक्त स्थान है 5 से लेकर 8 तक। संधि युक्त उपांग पाद का पाया जाना संघ का विशेष लक्षण है। छठा, अंडाशय में बीजांड के लंग लगे रहने के क्रम को रिक्तस्थान कहते हैं। 7, मूल में रिक्तस्थान प्रकार के 7 मूल पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, C6H12O6+CO2, ये देख सकते हैं आप, ये क्या है, यहाँ पर कौन सा उत्तर आने वाला है आप कर सकते हैं। आगे दे रखा है सत्य और असत्य। 9 नंबर देखिए, समुद्री घोड़ा एक मछली है, सत्य या असत्य? समुद्री घोड़ा एक मछली है, ये सत्य है या असत्य? फिर अगला प्रश्न देखो, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, सत्य या असत्य? प्रश्न नंबर 11, सीपक चक्र में पहला स्थायी उत्पाद OAA बनता है, सत्य या असत्य? 12, देखो, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ये सत्य या असत्य? 13 नंबर प्रश्न, ATP का पूरा नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14, प्रकाश शोषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 15, सोलेनेसी फूल का पुष्प सूत्र लिखिए एवं पुष्प चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 16, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 17 देखिए, माइटोकांड्रिया का नामक चित्र बनाइए, इसे कोशिका का शक्तिग्रह क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 18, प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है, इसका आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर 19, रेफ्रिजरेटर प्रसोतक में फल व सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं क्यों? प्रश्न नंबर 20, एक बीज पत्री प्रण की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, एक बीज पत्री प्रण की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर ये नहीं करते तो इसके अथवा में दिया हुआ है, विश्व के अथवा में भी है। सहवहन पुल किसे कहते हैं? सहवहन पुल कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सहवहन मूल है भाई, मूल में पाए जाने वाले सहवहन, अच्छा ये पहले पुल है फिर मूल में पाए जाने वाले सहवहन पुल का नामक चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 21, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? इसकी विभिन्न प्रवस्थाओं के नाम लिखिए, किसी एक प्रवस्था को चित्र सहित समझाइए। और इसके अथवा में है, हरित लवक को संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, दोनों में इसको एक करना है। प्रश्न नंबर 22, शोषण गुणांक किसे कहते हैं? अवायु शोषण का शोषण गुणांक अंत क्यों होता है? और दूसरा है इसमें, ग्लाइकोलाइसिस व क्रेव्स चक्र में 4 अंतर लिखिए। और इसके अथवा में दे रखा है, काइवेटोकोर किसे कहते हैं? गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र के प्रकार का वर्णन कीजिए, या तो ये ऊपर वाला कर दीजिए दोनों, या फिर ये नीचे वाला कर दीजिए अथवा में। यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट हुआ। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, रसायन विज्ञान हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर पहले से अपलोड किया जा चुका है, तो आप
हमारे होम पेज पर जाके वहाँ से यानी YouTube चैनल पर क्लिक करके, लोगों पर क्लिक करके आप पहुँच जाओगे हमारे चैनल पर। वहाँ पर वीडियोज़ के अंदर आपको ये कंटिन्यू सारे वीडियो मिल जाएंगे। अंग्रेजी अनिवार्य का पूरा पेपर वो उत्तर सहित आपको समझाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, हम फिर मिलेंगे आपसे नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।